दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी दोस्त पूनम चौधरी और आज मैं लेके आई हूँ आज का दिन 25 जून कैसा जाने वाला है 12 राशियों का चंद्र राशियों के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, मित्रों से भी इनके संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार और मित्रों के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं, प्रेमी के साथ मुलाकात भी हो सकती है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। संतान उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश भी जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें असाधारण सफलता मिलेगी। आर्थिक सफलता प्राप्त करने के लिए व्यापारिक क्षेत्र में अपने मित्रों या किसी भाई बहन से मशवरा लेना आपके लिए लाभदारी सिद्ध हो सकता है। आज आप उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं। दोस्त या प्रेमी के साथ पैसों का कोई भी मामला हो तो उसे ना ही छेड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुस्ती या असुरक्षा भी आप आज महसूस कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और पार्टनर से आपको सुख मिल सकता है। आपका शुभ अंक है 6। इसके लिए जब आप घर से निकलें तो परफ्यूम लगा के निकलें। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले पैसों के मामले में आपके साथ धोखा होने की संभावना है। लॉटरी या सट्टेबाजी आज ना ही करें तो बेहतर होगा। यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। पुराना कोई विवाद अगर चला आ रहा है तो वह सुलट सकता है। आपका ध्यान संतान की ओर शिक्षा में रहेगा। आपकी मर्जी से कोई कार्य ना करे। पार्टनर से सुख कम है। आज आप थोड़ी घबराहट महसूस करेंगे। लंबे समय से चली आ रही समस्या का अंत हो सकता है। किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से आज आपकी मुलाकात होगी। पैसों में आज का दिन आपके लिए अच्छा है। मूड ठीक आपका नहीं रहेगा। गुस्से में कुछ ना बोलें। आप स्वार्थी हो सकते हैं। किसी से अनबन हो सकती है। लव लाइफ में दिन अच्छा है। अधिकारी आपसे खुश होंगे। स्टूडेंट ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और आपका लकी नंबर है 9। इसके लिए आप किसी गरीब को कुछ खाने के लिए दान जरूर करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स बन रहे हैं। अपोजिट सेक्स की वजह से आपको धन लाभ हो सकता है। बच्चों की तरक्की से आप संतुष्ट रहेंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें। झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें। धन कमाने के लिए दिन उत्तम है। बदलते समय को आप महसूस करें। धार्मिक कार्यों में शामिल होने की संभावना है। परेशानी में ना उलझें। विवाद होने की किसी से संभावना है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। स्टूडेंट के लिए आज का समय बहुत अच्छा है। सेहत अच्छी आपकी नहीं रह सकती। पुरानी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। आपका शुभ अंक है 7। इसके लिए आप घर से निकलने से पहले अपने ऊपर से 3 लौंग उतारकर पूर्व दिशा की ओर फेंक दें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए चल अचल संपत्ति में पैसा लग सकता है और उससे धन लाभ भी होगा। पुराना कर्जा चुका पाएंगे। नजदीकी लोगों से संबंध सुधरेंगे। कुछ नए मित्र आपके बन सकते हैं। पूजा पाठ की तरफ आपका रुझान रहेगा। प्रेम में बढ़ोतरी महसूस करेंगे। आज क्रोध की अधिकता रहेगी। मूड स्विंग्स आपके होते रहेंगे। चिड़चिड़ापन भी आपको सता सकता है। मन में शांति बनाए रखें। ऑफिस में आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपका पुराना चला आ रहा कर्जा समाप्त होगा। पॉजिटिविटी में रहेंगे तो लोग आपसे खुश होंगे। अपोजिट सेक्स से संबंध अच्छे होंगे। राशि से 4th चंद्रमा आपको परेशान करेगा जिससे आपके मूड स्विंग्स होंगे। वाहन सावधानी से चलाएं। लव लाइफ अच्छी है। पार्टनर का सुख आपके लिए अच्छा है। मन की बातें पार्टनर से आप शेयर कर सकते हैं। आज सेहत कमजोर हो सकती है। एलर्जी भी आपको हो सकती है। आपके लिए शुभ अंक है 1। सुबह उठते ही नहाने के बाद आप सूर्य को जल दें।
सिंह राशि वालों के लिए शेयर सट्टा का काम करने वालों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। आज आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा, क्रोध की अधिकता रह सकती है। सेहत आपकी ठीक नहीं रहेगी। मार्केटिंग या प्रॉपर्टी डीलिंग संचार मीडिया में लोगों का अच्छा लाभ होगा। नौकरी और बिजनेस के लिए दिन अच्छा है। कारोबार के सिलसिले में आपको भागदौड़ रह सकती है आज, जिसका फायदा आपको आने वाले दिनों में होगा। बिजनेस अच्छा चलेगा, इनकम आपकी सामान्य रहेगी। दिन की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती रहेगी, अकेले रहने का आपका मन कर सकता है। कुछ लोग आपके विचारों से सहमत नहीं होंगे। आत्मविश्वास आज थोड़ा कम रहेगा। सेहत में थोड़े उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। पार्टनर से प्यार मिलेगा, ऑफिस में सब मदद करेंगे। परिवार के साथ यात्रा का योग बन सकता है। मानसिक तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है। आपका थोड़ा पेट खराब रह सकता है आज। आपका शुभ अंक है 5। सिंह राशि वाले हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कन्या राशि वाले कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ खास लोगों की आज आपको हेल्प मिलेगी। रुका हुआ पैसा मिलेगा। बच्चों के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं। ये समय भाई बहनों की उन्नति का है। आपके भाई बहन इस समय में उन्नति कर सकते हैं। प्रेम के मामले में अच्छे रहेंगे। प्रेमी के साथ भी आप कहीं घूमने जा सकते हैं। जो अविवाहित हैं उनके विवाह की बात हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब में है जो, तो उन्हें काफी लाभ हो सकता है। सट्टे या शेयर बाजार में सोच समझ कर निवेश करेंगे तो आज आपको आर्थिक लाभ होगा। नया काम शुरू करने का दिन है। बिजी रहेंगे, थोड़ी थकान महसूस होगी। मौसम के कारण आप बीमार रह सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय सामान्य है। खान पान में सावधानी रखनी होगी। आपके लिए शुभ अंक है 3। इसके लिए आप अपने घर के में पीले रंग के फूल लाकर रखें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी और बिजनेस दोनों में ही फायदा होगा। ससुराल में अपोजिट जेंडर से सावधान रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आपके योग बन रहे हैं। हड्डियों का कोई पुराना रोग है तो वो अब ठीक होने वाला है, तो उसमें काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। पढ़ाई या किसी सेमिनार विदेश जाने के योग बन रहे हैं। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आज आप। ऑफिस में कुछ नया काम हो सकता है। अटके काम पूरे होंगे। आपके पैसे के उलझे काम सुलझेंगे। निवेश को लेकर कोई टेंशन ना ले। जरूरत से ज्यादा ना खर्च करें। अविवाहित लोग किसी को प्रपोज कर सकते हैं। दिन अच्छा है, सेहत का ध्यान रखें। आपका शुभ अंक है 4। सुबह उठकर आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में अचानक लाभ होगा। शेयर से भी फायदा हो सकता है। परिवार के साथ समय अच्छा बिताएंगे। संतान के प्रति ज्यादा लगाव रहेगा। प्रेम प्रसंगों में उत्साह बना रहेगा। बाहर का खाना ना खाएं, पेट खराब होने की संभावना है। खुद का घर मिलने की भी संभावना है। दूसरों पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। जीवन साथी की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। छात्रों के लिए समय अच्छा है। फालतू खर्चा हो सकता है। लव पार्टनर से सरप्राइज भी मिल सकता है आपको। जॉब में काम का दबाव बना रहेगा। स्टूडेंट के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। थकान या थोड़ी चुटपुट चोट या बेचैनी आज आपको महसूस हो सकती है। कुछ फैसले सावधानी से लेने होंगे जो आपके परिवार से जुड़े हैं। आपका शुभ अंक है 6 और इसके लिए आज अपने पास कोई सुगंधित चीज रखें। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ का आज अच्छा अवसर है। मन में काफी ऊर्जा रहेगी। गुरुओं या महात्माओं से आज आप मिल सकते हैं। जीवन साथी का पूर्ण समर्थन मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। आपका मन एकाग्र नहीं रहेगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। सोचे हुए कुछ काम पूरे हो सकते हैं। सहकर्मी की कोई नई बात पता चल सकती है आज आपको। लंबे समय से
हो रहे अधूरे काम आज पूरे होंगे। अपनी इच्छा के काम ना होने से आप में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। कोई फैसला बिना सोचे समझे ना करें। आज सेहत पर थोड़ा ध्यान दें। लव पार्टनर से आज आपको सुख मिलेगा। सेहत के मामले में सावधानी रखें। हाथ पैरों में भी दर्द हो सकता है। आज आपका शुभ अंक है 1। उसके लिए आप अगर आज कोई आपको सलाह देता है तो वह आप मान लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति में अचानक बदलाव होने के योग हैं। शेयर बाजार से उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। परिवार के साथ अच्छे पल बीतेंगे। संतान के प्रति प्रेम रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आज आपकी वृद्धि होगी। मानसिक शांति में बढ़ोतरी होगी। सेहत को अच्छा बनाने के लिए सुबह पार्क की सैर करने जरूर जाएं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। दोस्तों की हेल्प से कोई इच्छा पूरी होगी। बिजनेस में नई चुनौतियों से आप निपटेंगे। सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। पार्टनर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं आज आप। आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। आप पार्टनर के लिए रूखे स्वभाव के हो सकते हैं आज। जॉब में जो लोग जॉब करते हैं उनका इंक्रीमेंट हो सकता है। स्टूडेंट को कंपटीशन में सफलता मिलेगी। नींद की कमी से परेशान हो सकते हैं। थोड़ी थकान रहेगी। आपका शुभ अंक है 9। इसके लिए आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है आज। जमीन जायदाद में निवेश कर सकते हैं। किसी फैमिली मेंबर से मनमुटाव भी हो सकता है। कोई मित्रता आपकी प्रेम संबंधों में बदल सकती है। प्रेमी के लिए समय निकाल पाएंगे आज आप। आय के अच्छे स्रोत होंगे। ऑफिस के कार्यों में सफलता रहेगी। कोई गुप्त बात आपको ऑफिस की आज पता चल सकती है। झूठे वादे ना करें। कोई थोड़ी सुस्ती महसूस करेंगे। सेहत खराब हो सकती है। किसी को आज आप प्रपोज भी कर सकते हैं। छोटे लोगों से सहयोग आपको मिल सकता है। फायदे के मौके मिलेंगे। स्टूडेंट आज खुश रहेंगे। कान या नाक में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चोट लग सकती है। आप संभल कर रहें। आपका शुभ अंक है 3। इसके लिए आप गुरु या गुरु समान किसी व्यक्ति को दान करें। अब बात करते हैं मीन और आखिरी राशि की। मीन राशि वालों के लिए कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ खास लोग आपकी मदद कर सकते हैं। आपको उधार आज वापस मिल सकता है। डेली रूटीन में बदलाव होगा। ईमानदारी से काम करें। प्रेमी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो आज का समय अच्छा है। योग व ध्यान से आप शारीरिक व मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। जॉब में कुछ अनचाहा हो सकता है। बिजनेस में उधारी से बचने की कोशिश करें और आप पैसा उधार देने से भी आज बचें। नए लोगों से मुलाकात के योग हैं आपके। लोग आपकी राय से आज सहमत होंगे। घर और ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा ज्यादा रहेगा। अपने ही विचारों से आप उलझ सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां आपकी दूर हो सकती हैं। स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। आज आप कम खाना खाएं और मसालेदार खाना ना खाएं। इससे आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका शुभ अंक है 7। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। इससे आपकी सेहत में सुधार होगा। तो ये था आज का राशिफल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।